नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। आईपीएस मुकुल गोयल पर हुई कार्रवाई के बाद अब माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान निष्ठा बदलने वाले आईएएस और आईपीएस पर गाज भी गिर सकती है। क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का हंटर चला और आईपीएस मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाकर डीजी सिविल डिफेंस के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद अब प्रदेश में जितने मुंह उतनी बातें मुकुल गोयल के ट्रांसफर को लेकर चल रही है। इस कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान निष्ठा करने वाले आईएएस और आईपीएस अफसरों पर सरकार की गाज गिर सकती है। मुकुल गोयल की डीजीपी के पद से विदाई के बाद आईपीएस वर्ग के अफसर सकते में है और उनको लग रहा है कि आने वाले दिनों में उनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राज्य में चुनाव के दौरान नौकरशाहों के एक वर्ग ने अपनी निष्ठा को बदलने की कोशिश की थी। राज्य में इस बात की हवा थी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जा रही है। विपक्षी दलों ने ऐसा माहौल बना दिया था मानो राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया में भी कई अफसरों के नाम भी सामने आए थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संपर्क में है। राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद स्थिति उलट हो गई और राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से बन गई। जाहिर सी बात है कि नौकरशाहों के इस गुट को इससे बड़ा झटका लगा था। हालांकि पाला बदलने की योजना बनाने वाले कई अफसर अभी भी योगी आदित्यनाथ सरकार में अहम पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुकुल गोयल को डीजीपी के पद से हटाने के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि क्या पाला बदलने वाले अफसरों में मुकुल गोयल का नाम भी शामिल था। इस बात की भी चर्चाएं हैं कि सरकार ने अपने स्तर से इस तरह से अफसरों की पहचान की है और आने वाले दिनों में आईएएस और आईपीएस वर्ग में इन अफसरों की विदाई भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में चुनाव से पहले ही राज्य के रिटायर अफसर विपक्षी दलों के लिए कार्य कर रहे थे और उनके लिए रणनीति भी तैयार कर रहे थे। इसमें बीएसपी और सपा सरकार में अहम पदों पर रहे अफसर भी उसके लिए सियासी रणनीति तैयार कर रहे थे। चर्चाएं हैं कि ये अफसर मौजूदा अफसरों के संपर्क में थे और सरकार के अंदर चल रही योजनाओं के बारे में जानकारियां भी ले रहे थे। राज्य में एक जाति वर्ग के मौजूदा अफसर तो एक विपक्षी दल के लिए खुलकर काम भी कर रहे थे। ये अफसर पूर्व की सरकारों में मुख्यमंत्री कार्यालय यानी कि पंचम तल में भी नियुक्त रह चुके हैं। अगर बात राज्य के पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार की जाए तो 2006 में यूपी में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्तियां भी हुई थी और एक जाति वर्ग के लोगों को इसमें नियुक्ति मिली थी। उस वक्त मुकुल गोयल डीआईजी के पद पर आगरा में तैनात थे। इसके बाद राज्य में बीएसपी की सरकार बनी तो भर्ती घोटाले को लेकर 2007 में मायावती ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई। तब राज्य में 2012 में सपा की फिर से सरकार बनी तो भर्ती घोटाले में शामिल अफसरों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस ले लिया गया। गौरतलब है कि इससे पहले भी मुकुल गोयल बीजेपी सरकार में सस्पेंड हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 2000 में बतौर एसएसपी सहारनपुर में तैनाती के दौरान बीजेपी विधायक निर्भय पाल सिंह के मर्डर के मामले में मुकुल गोयल को सस्पेंड कर दिया गया था। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले में सरकार और किस किस ऑफिसर्स पर गाज गिराती है और कौन कौन से विभीषण रूपी जो अफसर है वो नपते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।